हेलो गाइस, वेलकम टू सुनीता किचन। तो आज हमारे किचन में जो एक रेसिपी बन रही है वो है शामी कबाब की रेसिपी, और ये बहुत ही जल्दी और इजी बनने वाले शामी कबाब हैं। तो चलिए, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया बीफ का आधा किलो गोश्त, ये मैंने हड्डी के बगैर वाला गोश्त लिया है, और ये देख सकते हैं चर्बी भी इसके साथ ही है। ये इस तरह का गोश्त लेंगे तो फिर आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे, थोड़ा फैट इनके अंदर होना चाहिए। और इसके साथ मैं ये दो अदद मैंने ये प्याज ले ली जिनको मैंने यूँ काट लिया, ये डाल दूँगी। और ये एक कप चने की दाल ली थी मैंने, वो भिगो के रखी काफ़ी सारी हो गई थी, आधा कप चने की दाल ले ली है, ये डाल दूँगी। और ये तकरीबन दो अदद दाल वाली मिर्चें हैं, ये डाल देंगे। और ये कुछ खड़ा गरम मसाला है, इसमें थोड़ा सा ये ज़ीरा है, और पांच छह ये लौंगे हैं, दालचीनी के कुछ पीसेस हैं, और हरी इलायची है, काली मिर्च, और ये चलो ये गरम मसाला डाल देते हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल दूंगी। इसके अंदर भी मैंने हरी मिर्चें वगैरह डाली हुई होती हैं, काफ़ी दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी ये तकरीबन, अभी मैं आधा चम्मच ये नमक डालूंगी, अगर कम हुआ तो फिर बाद में डाल सकते हैं। हल्दी आधा चम्मच, स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, हरी मिर्चें भी हैं, और वो लहसुन अदरक में भी मैंने वो हरी मिर्चें पीसी हुई हैं, और लाल वाली मिर्चें भी डाली, काली मिर्च भी डाली, अब ये थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी पीसी हुई लाल मिर्च, कुछ मैंने खड़ा मसाला डाल दिया गरम मसाला, और थोड़ा सा ये पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूँगी। बन इसके अंदर ये तीन कप पानी डाल दिए, और गोटियाँ इसलिए ली है क्योंकि ये पक जाएगा, गलेगा तो फिर ये खुद ही टूटने लग जाएगा। और चने की दाल मैंने तकरीबन एक घंटा पहले भी भिगो के रख दी हुई थी, अब इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी पकने के लिए जब तक ये गलेगा। सारे मसाले डाल दिए इसके अंदर, अब इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखें, आधे घंटे के लिए मैंने दूसरे वाले बर्तन में रखा हुआ था, तो उसमें अभी पानी खुश्क हो रहा था, तो लगने का चांस था उसके अंदर, इसलिए अभी मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया। इसका पानी बिल्कुल ड्राई करेंगे, ये भुन चुका है, और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया, अच्छे से गल चुके, गोश्त भी हमारा बहुत गर्म है। बस अभी इसको मज़ीद इसी तरह से थोड़ा सा मैं और खुश कर लूँगी, तो फिर इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ब्लेंडर के अंदर पीस लूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही दाल, तो देखें ये बिल्कुल मैश हो गई है चने की दाल, और गोटियाँ तो वैसे ही टूट रही हैं इसके अंदर, अगर ज़रूरत पड़ी तो ब्लेंडर में पीसूंगी, नहीं तो फिर ये ऐसे इसको यूँ मैश कर लेंगे, क्योंकि सारा कुछ तो पिस गया है।
चुके हैं। अब इसको बंद करूँगी चूल्हे को और थोड़ी देर के लिए इसको रखूँगी ताकि ठंडा हो। चले जब तक ये ठंडा होता है तो फिर मिलते हैं 5-10 मिनट के बाद। देखिए मैंने इसको हाथ से ही मैश कर लिया क्योंकि दाल तो पहले बहुत मैश हो गई थी, गल गई थी दाल और गोश्त को भी मैंने यूँ सा मिक्स कर दिया, बोटियाँ सारी ही देखी इस तरह से रेशे रेशे सारी ऐसे ही टूट गई हैं। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं ये, इसके अंदर है ये मेरे पास थोड़ा सा धनिया पुदीना, ये डाल दूंगी। अब इसको हाथ से मैश करूंगी और साथ ही इसके कबाब बनाने शुरू कर देंगे। तेज पत्ते निकाल देते हैं। जितना मैंने इसके अंदर नमक डाला था मैंने चख लिया था, नमक बिल्कुल इसमें सही था, पूरा पूरा था नमक, क्योंकि जब इस तरह से ड्राई हो जाता है तो फिर नमक अगर ज़्यादा डाल दे तो फिर नमक बहुत तेज़ लगने लग जाता है। और रायते में भी डालेंगे नमक मिर्चें, इसलिए कोशिश करें कि पहले ही कम डालें नमक। चले अब इसके हम कबाब बनाएंगे। छोटा छोटा जो मसाला वगैरह हाथ में आए, दालचीनी लौंग, वैसे तो सब पीस गया, दालचीनी खड़ी खड़ी होगी वो निकाल देंगे। अभी कबाब बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितने आपको बड़े रखने हैं छोटे रखने हैं उतने आप बना सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं अंडा इसके अंदर ही डाल देते हैं और बस ये मिक्स करके और कबाब बना के तो उसको फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैं अंडे में डिप करके इसको फ्राई करती हूँ। चले सारे इसी तरह से मैं कबाब रेडी कर लेती हूँ तो फिर दिखाती हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं, मैं चेक करूं ऑयल गरम हो गया, ऑयल भी हमारा गरम हो चुका है। चलिए ये कबाब सारे मैंने बना के रेडी कर लिए और अभी इनको अंडे के अंदर डिप करके तवे पे बनाएं, फ्राई पैन में बनाएं, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं आज तवे पे बना रही हूँ। आँच इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं रखना कि ये जल जाए, आँच स्लो रखें। देखिए कैसा गोल्डन कलर आया। साइड पे करते रहें तवे की साइड पे ताकि ये गर्म ही रहे।
साइडों से गोल्डन हो गए। अभी मैं इनको ऐसी साइड पे तवे के रखती जाऊंगी ताकि साथ साथ दूसरे भी पक जाएंगे और ये गर्म रहेंगे। लास्ट वाले भी हमारे ये रह गए थे, वो भी बस तैयार हो गए। शामी कबाब भी हमारे सारे बन गए और ये साइड पे लगाए हैं, वो भी देखिए ऐसे साथ साथ साइड पे रख दो, वो भी साथ साथ गर्म रहते हैं और पकते भी रहते। चलिए ये शामी कबाब हमारे बनके रेडी हो चुके हैं और ये इतने मज़े के और जूसी बने हैं और ये इतने सॉफ्ट हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। और इसको आप केचप के साथ भी खा सकते हैं और रायते के साथ भी, लेकिन रायते के साथ इसका ज़्यादा मज़ा आता है, तो आपकी चॉइस है, आपको जिसके साथ भी अच्छा लगता है, आप खाना पसंद करते हैं आप खाएं। तो मैंने तो इसको रायते के साथ सर्व किया है। तो चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, फिर आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।